हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग को एक अलग सी रेसिपी सिखाती हूँ, ये शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया होगा। तो देखिए ये क्या है, ये है नमकीन। जी हाँ, ये नमकीन है, जो सेव वाली नमकीन आती है वही है, ये मार्केट की नमकीन है। तो आप बेसन भुजिया या फिर आलू भुजिया, कोई भी नमकीन ले सकते हैं। इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में और अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है, इसी तरह हम इसे रखेंगे। ये देखिए, जो बारीक वाली सूजी आती है सेम उसी तरह है ये। अभी से हम निकाल लेंगे एक परात में। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए सारा निकाल लेते हैं। गाइस, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, हमने इसे निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, आप किसी भी बर्तन से ले लीजिए आटा नाप कर। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसे हम हाथों से हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा चटपटा पसंद है तो आप इसमें मसाले की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये है अजवाइन, जिसको हमने क्रश करके डाल दिया है। और डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, और ये है लहसुन, इसे हम इसमें डाल देंगे। लहसुन को हमने कूट लिया है, आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप हाथ से या चम्मच से अच्छे से इसे मिला लीजिए। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं सेम वही प्रोसेस इसमें करना रहता है, बस वो सादी पूड़ी कभी कभी हम बनाते हैं, कभी कभी मसाले वाली, तो सेम मसाले वाली पूड़ी की तरह ये भी रहेगा। अब हम हाथ से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये देखिए, ये आधा चम्मच तेल है, इसको हम इसी में डाल देंगे और इसको भी अब अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल पानी है, इसी पानी से हम आटा गूँथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं सेम उसी तरह हम इसका आटा लगा लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँथेंगे। चलिए इसे गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा आटा गूंथ चुका है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। इसे हम ढक देते हैं। तो 10 मिनट हो चुका है, चलिए इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसे हम हाथों से हल्का सा मसल लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम इसकी लोइयां कर लेते हैं।
इसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेंगे। लेंगे चकला और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आप छोटी बड़ी पूड़ियां अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, चलिए इसी तरह हम सारी लोइयां बनाकर रख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी लोइयां बनाकर रख लिया है। अब चलिए हम इसकी पूड़ियां बेल लेते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी पूड़ी बनाकर और कोई ग्लास से या कटोरी से आप इसे काट भी सकते हैं। अब हम सूखा आटा लगाकर इसकी पूड़ी बेलेंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए, जब हमें ज़रूरत लगेगी तो हम सूखा आटा इसमें लगा लेंगे। बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से बेल जाता है। ये देखिए, इतनी मोटी पूड़ियाँ हम रखेंगे। सेम नॉर्मल पूड़ी की तरह ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको दूसरी भी बेल कर दिखा देते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लिया है और हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी पूड़ियाँ तल लेते हैं। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गरम है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तभी पूड़ियों को डालें। इसी तरह ऊपर तेल डाल के इसे फुला लीजिए, बहुत अच्छे से फूल जाएगी। सेम ये नॉर्मल पूरी की तरह है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। ये देखिए, केवल इसका टेस्ट अलग है, बनाने का प्रोसेस वही है। जितनी पूड़ियाँ आए उतनी ही डालिएगा, ये आसानी से ये फूल जाए। अगर आप ज़्यादा तेल कढ़ाही में डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये बिना कुछ किए खुद ही फूल जाएगी। हमारे कढ़ाई में तेल थोड़ा कम है, इसलिए हमें करछी से तेल डालना पड़ता है ऊपर तक। तो चलिए हम सभी पूरियां तलकर तैयार कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, फूली फूली, और ये टेस्ट भी इसका बहुत अलग है। तो ये देखिए, इसे हमने आलू और दही की सब्जी है ये, उसी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी सब्जी या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो गाइस, अगर हमारी रेसिपी आप लोग को ज़रा से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़।